मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने लेसन वन का डे वन वाला वीडियो बनाया था। यानी कौन सा वीडियो बनाया था? लेसन वन का डे वन का वीडियो बनाया था, लेसन वन का डे वन। आज हम लेसन वन का डे टू वाला वीडियो पढ़ेंगे और उसको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं। ये सब शुरू करते हैं और हम हेडिंग डालते हैं। यदि आपने हमारा डे वन वाला वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। अब हम हेडिंग डाल देते हैं डे टू, लेसन वन का डे टू। लेसन वन हो गया, ठीक है ना, लेसन वन। और आज कौन से डे का हम पढ़ेंगे? डे टू। यानी हम आज दूसरे दिन का हम पढ़ाई करेंगे, क्या करना है। तो इसमें पहली हेडिंग जो आज की रही, कल हम तीन हेडिंग आपको बताए थे, फिटेटेट का परिचय, बेसिक कार्य क्रियाएं और वर्क बेंच। वर्क बेंच में मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, उस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वर्क बेंच के टॉप लकड़ी का बना होता है, फ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है, उसकी लंबाई 2 मीटर होती है, चौड़ाई 1 मीटर होती है, ऊंचाई 80 सेंटीमीटर होती है। एक कल का है, कल की पूरी बातें मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कल का वीडियो देख लीजिए, डे वन का, लेसन वन का। आज हम बताने वाले हैं लेसन वन का डे टू। यदि आप नए हों तो चैनल पीटर भाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पीटर भाइटर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो आज की जो पहली हेडिंग है वो मैं इधर हेडिंग लिख देता हूँ। पहली हेडिंग है जिसके बारे में हम बताएंगे वो है सावधानियाँ। अब सावधानियाँ क्यों होती हैं और इनको हमें क्यों उपयोग करना चाहिए, इन सावधानियों का क्या इनकी वजह होती है। देखिए, आईटीआई जो एक ट्रेड होती है, ये एक प्रकार का वर्कर की ट्रेड दिलाने वाली आईटीआई ट्रेड होती है, फिटर ट्रेड या मशीनिस्ट ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, जो भी ट्रेड होती है। इसमें हमें किसी भी फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ता है। फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े ग्राइंडर होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, नीचे जाकर भी काम करना पड़ता है, समुद्र के अंदर जाकर भी काम करना पड़ता है, कहीं ऊपर किसी फ्लोर पर जाकर भी काम करना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में हम सभी वर्कर को कोई नुकसान ना हो, कोई हजार्ड्स ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उस इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सावधानियों का पालन करना पड़ता है। यानी हम किसी भी परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं और हमारा जान का, हमारे किसी अंग का, हमारे किसी शरीर के पार्ट का नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए हम सावधानी, सुरक्षा सावधानी, अगर हम इसको कहें तो सुरक्षा सावधानी भी हम इसको कह सकते हैं, सुरक्षा सावधानी, उन नियमों को हम सुरक्षा सावधानियां कहते हैं। अब सुरक्षा सावधानियां रटने वाली बात नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि हम ग्राइंडर चला रहे हैं, तो ग्राइंडर चलाते समय हमें अपने शरीर की बचत करने के लिए आंखों में क्या पहनना है, आंखों में चश्मा पहनना है। तो यही सुरक्षा सावधानी है कि हमारे जीवन में जब हम किसी फैक्ट्री में, किसी संस्थान में काम करते हैं, तो काम करते वक्त हमारा शरीर का या हमारे फैक्ट्री का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए जिन नियम का हम पालन करते हैं, उन नियमों को हम सुरक्षा सावधानियां कहते हैं। अपनी किताब के अंदर सुरक्षा सावधानी 10-12 लिखी होंगी, लेकिन ये 10-12 नहीं होती हैं, ये हजारों हैं। हम जिस काम को करेंगे हमारी उसकी सुरक्षा सावधानी होगी। जैसे ये सुरक्षा सावधानी हमारी किताब में नहीं लिखी होगी, जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हम कार चलाते हैं हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, यही तो सुरक्षा सावधानी है, ठीक है ना। जैसे हम किसी बिल्डिंग में ऊपर काम करते हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट बांधना चाहिए, ठीक है, हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें कलर्ड वाला, काला वाला चश्मा पहनना चाहिए। ये सुरक्षा सावधानी कभी रटी नहीं जा सकती है। सुरक्षा सावधानियाँ काम के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर हम सुरक्षा सावधानियों को रट लेंगे और काम कोई दूसरा आ गया तो हम उस सुरक्षा सावधानी का उपयोग नहीं करेंगे, हमें सुरक्षा सावधानी भी चेंज करना पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें गीले स्थान पर वेल्डिंग नहीं करना है, यही भी सुरक्षा सावधानी है। ग्राइंडर चलाते समय हमें आंखों में चश्मा पहनना है, इसलिए पहनना है क्योंकि लोहे का कण निकल के आंखों के अंदर जा सकता है, चिंगारी आंखों के अंदर जा सकती है। चिपिंग करते समय हमें चिपिंग गार्ड का इस्तेमाल करना है। चिपिंग मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में चिपिंग बताया था बहुत अच्छे तरीके से, तो आप कल का वीडियो डे वन वाला वीडियो देख लें।
इसके अलावा और भी ड्रिलिंग करते समय हमें कूलेंट का उपयोग करना है, ड्रिलिंग करते समय जॉब को अच्छे से होल्ड करना है, ये सारी सुरक्षा सावधानियाँ होती है। तो सुरक्षा सावधानियाँ समय के हिसाब से, काम के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे विगत समय में अपने यहाँ कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस में भी सुरक्षा सावधानी थी कि हम जब भी किसी से बात करें तो कम से कम उससे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें, मुंह में मास्क लगा कर रखें, बिना काम के बाहर न निकले, ये भी तो सुरक्षा सावधानी है। तो फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा सावधानियाँ काम के हिसाब से हमें उपयोग करना है। तो कुछ मेन सुरक्षा सावधानियाँ मैंने अभी बता दी आपको और आगे भी हम बताते रहेंगे। जैसे पहली सुरक्षा सावधानी श्रमिक की लापरवाही। कभी भी देखिए, हमें सब मालूम है कि हमें कैसा क्या करना चाहिए, हमें गूगल्स पहनना चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए, लेकिन श्रमिक भी लापरवाह है। तो श्रमिक की लापरवाही जो होती है वो दुर्घटना का कारण होती है। तो सुरक्षा सावधानी क्या होगी कि श्रमिक को कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पहले मैंने कारण बताया, फिर सुरक्षा सावधानी बताई। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे जिस मशीन के बारे में हमें जानकारी ना हो उसको चला देंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, तो इसमें सुरक्षा सावधानी हो जाएगी कि जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो, चलाना ना आता हो, जिस मशीन के गियर के बारे में हमें जानकारी ना हो, उस मशीन को कभी चलाना नहीं चाहिए। ये सुरक्षा सावधानी है। तो नॉर्मल वे में हमें जो चीज़ नहीं आती है, अगर हम उस चीज़ को करेंगे तो दुर्घटना होगी, और जब हम नहीं करेंगे तो वही सुरक्षा सावधानी है। जैसे इसमें एक लिखी गई है कि मशीन की स्थिति खराब होना। तो मशीन की स्थिति खराब होगी तो ये दुर्घटना का कारण होगा। तो इसकी सुरक्षा सावधानी क्या होगी? इसकी सुरक्षा सावधानी ये होगी कि जब किसी मशीन की स्थिति खराब हो तो उस मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सुरक्षा सावधानी। जब किसी मशीन की वायर या तार कटा हुआ हो तो उस मशीन को, स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए, सुरक्षा सावधानी, ठीक है ना। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि हमें कहीं मार्केट जाना होता है, मार्केट से सामान खरीदना होता है, तो यदि बादल आता है तो हम बादल को देख के रुक जाते हैं, यही सुरक्षा सावधानी है। कहीं हम आधे रास्ते में पहुंच पाएंगे बाइक से और पानी बरसने लगेगा, तो हमने पहले ही सुरक्षा सावधानी का उपयोग किया। अभी इस मौसम में जैसे गर्मी अधिक पड़ रही है तो गर्मी में हम नहीं निकलते हैं क्योंकि धूप बहुत रहेगी, धूप लग जाएगी, तो हम सुरक्षा सावधानी का उपयोग करते हुए देखते हैं कि धूप बहुत अधिक, हम नहीं निकले। तो जिस काम से हमें नुकसान होता है उस काम को बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सुरक्षा सावधानियों का उपयोग करते हैं। तो ये सुरक्षा सावधानी है। तो इसका एक क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा सावधानी का उपयोग हमें क्यों करना चाहिए? सुरक्षा सावधानी का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि यदि हम सुरक्षा सावधानी का उपयोग नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, जिससे हमारे मेन मशीन मटेरियल, देखिए M3M चलता है, MMM, तो पहले M का मतलब होता है मेन, दूसरे M का मतलब होता है मशीन, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मशीन जो हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है मशीन, और तीसरा होता है मटेरियल, ये याद कर लीजिए 3M। अभी मैं बहुत सारे आपको शॉर्ट वर्ड बताऊंगा, आप बस जुड़े रहिए और समझते रहिए, आपको नॉर्मल सारी बातें बता दूँगा। मेन, अगर आपने सुरक्षा सावधानी का उपयोग नहीं किया तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो मेन का नुकसान होगा, कोई इंसान की जान जा सकती है या कोई पार्ट्स कट सकता है। मेन मशीन, आपकी मशीन खराब हो सकती है, मशीन लाखों की भी हो सकती है, करोड़ों को भी हो सकती है, हजारों की भी हो सकती है, पैसे का नुकसान होगा, कंपनी का नुकसान होगा। प्राइवेट कंपनी होगी तो हमारा नुकसान होगा, अगर सरकारी कंपनी होगी तो भी हमारा ही नुकसान है क्योंकि हम उस कंपनी के वर्कर हैं। इसका मटेरियल का भी नुकसान होगा क्योंकि मटेरियल हजारों लाखों का भी हो सकता है, क्योंकि मटेरियल में अगर दुर्घटना होगी तो वो टूट भी सकता है, मुड़ भी सकता है। तो आपको सुरक्षा सावधानी का उपयोग करके आप इन तीनों चीज़ों से बच सकते हैं और अपने कंपनी को बचा सकते हैं। तो ये सुरक्षा सावधानी के बारे में था। अब सुरक्षा सावधानियों की इसमें हमारी बुक्स में ग्रेड बने हुए हैं। जैसे इसमें सुरक्षा सावधानी का पहला सामान्य सुरक्षा, तो सामान्य सुरक्षा में हमारे सुरक्षा नियम आ जाते हैं, जैसे हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें दस्ताने का इस्तेमाल करना चाहिए, लेग गार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, हमें सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो उस मशीन को नहीं छूना चाहिए, जैसे मैंने अभी पहले ही बता दिया आप लोगों को। इसके बाद हैंड टूल से रिलेटेड सुरक्षा नियम होते हैं। अब हैंड टूल बहुत होते हैं, मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे सुरक्षा सावधानी कई तरीके की होती है, जैसे पहले मैंने बताया सामान्य सुरक्षा, इसमें एक पहली जो मैंने बताई आप लोगों को बताई सामान्य सुरक्षा,
इसमें जो सूची सुरक्षा होती है वो होती है हैंड टूल से सुरक्षा। किससे सुरक्षा? हैंड टूल से। अब आपको हैंड टूल अगर याद होंगे तो पूरी सुरक्षा नियम आपको याद आ जाएंगे। जैसे हैंड टूल में अगर मैं एक नाम लिखूं, पहला नाम वो होता है हैमर। सभी लोग जानते हैं हैमर को हथौड़ा कहते हैं। तो हैंड टूल देखो, सुरक्षा नियम रटना नहीं है आपको, आपको हैंड टूल से सुरक्षा है। तो जितने भी हैंड टूल है सबका एक एक सेफ्टी हम बता दे रहे हैं अभी आपको। जैसे हैमर है तो ढीले हैंडल वाले हैमर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हैमर का हैंडल ढीला है, आपने हैमर चलाया और हैमर निकल के किसी को लग गया, बिना बेज वाले हैमर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी आप जैसे ही आगे पढ़ोगे ना, आपको ये अपने आप आते जाएंगे, क्योंकि आपने अभी हैमर मान लीजिए पढ़ा नहीं है तो कैसे समझ में आएगा बेज क्या होती है, हैंडल क्या होता है। ठीक है ना, कई लोग वैसे जानते होंगे, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है ना, हैंड टूल हैमर। दूसरे नंबर पे जैसे आता है वाइस। वाइस भी एक प्रकार का हैंड टूल होता है। वाइस जिसमें हम जॉब को बांधते हैं उसे हम वाइस कहते हैं। तो जो वाइस होता है, वाइस में छोटे हैंडल वाले वाइस का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिना जॉब प्लेट वाले वाइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितने भी हैंड टूल है, अरे भाई अपने घर पे चाकू होता है, चाकू हैंड टूल होता है। चाकू, चाकू अगर ढीला है, चाकू में हैंडल नहीं है, तो भाई आप चाकू से जब काटोगे तो चाकू सही करेगा का काम? वो हाथ में लग सकता है। हसिया होता है, हसिया, हसिया का उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? हाथ को हसिया की धार से दूर रखना चाहिए, हसिये को किसी चीज़ से दबा के या पैर से दबा के इस्तेमाल करना चाहिए उसके हैंडल पर, या मजबूत लकड़ी के पटिया को उसे बांधना चाहिए। ठीक है ना, तो हैंड टूल ये बहुत सारे होते हैं, जितने भी हैंड टूल है सबका इस्तेमाल होता है। वाइस होता है हैंड टूल। हैंड टूल में स्पेनर होता है। स्पेनर आप सभी जानते होंगे, स्पेनर, स्पेनर होता है, ये मैंने लिख दिया। स्पेनर का मतलब रिंच। तो अगर रिंच का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें पहले ये सोचना है कि इसमें क्या सेफ्टी हो सकती है। तो रिंच पर यदि ऑयल लगा हो, उसके मुंह पर तेल लगा हो, तो उस रिंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिंच के जो जबड़े हैं वो फैले हुए हों, रिंच के जबड़े ऐसे ऐसे सीधे रहते हैं लेकिन वो फैल जाते हैं, तो अगर फैले हुए रहेंगे तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। एडजस्टेबल स्पेनर का इस्तेमाल करते समय उसकी एडजस्टेबल का जो जबड़ा होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। प्रेशर हमें उस तरफ लगाना चाहिए जिस तरफ जबड़े का मूवेल जो हो, अगर आप उल्टा प्रेशर लगा दोगे तो उसका जबड़ा टूट जाएगा। तो ये हैंड टूल से मैंने दो तीन सुरक्षा बता दी। जितने भी आपके हैंड टूल है, जैसे हैमर है, वाइस है, स्पेनर है, प्लायर है, एडजस्टेबल रिंच है, स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर पैंच जिसको हम बोलते हैं पैंच कसने वाला, ऐसे से कसते, तो कभी भी हाथ में पकड़ कर पैंच कसो नहीं चलाना चाहिए। ठीक है ना, पैंच कस हाथ में ऐसे रिपट गया तो हाथ में घुस जाएगा, आर पार निकल जाएगा इधर से ऐसे। ठीक है ना, तो पैंच कस को हाथ में नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, पेचकस पर कभी हथौड़े से चोट नहीं लगाना चाहिए, कभी भी स्पेनर पर हथौड़े से चोट नहीं लगाना चाहिए। तो जितने भी हैंड टूल है सौ सुरक्षा सेफ्टी बन जाएगी, बस आपको हैंड टूल पता होना चाहिए। इसके बाद मशीन से अगला है, मशीन से सुरक्षा। अब मशीन से सुरक्षा, मैं मशीनों के नाम बता देता हूँ भाई, मशीन से सुरक्षा क्या होती है। तो मशीन से सुरक्षा के नियम आपको बता देता हूँ। आपको सुरक्षा नियम बिल्कुल भी नहीं रटना है। अगर आप सुरक्षा नियम रटोगे तो आगे थ्योरी में क्या क्या रटोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, माथा पीट के पटकना पड़ेगा। क्योंकि जो हमने फिटर ट्रेड का जो चोला पहन लिया है, तो फिटर ट्रेड में आकर के आपको मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिटर ट्रेड अपने सर पे ताज है, जो फिटर ट्रेड का ताज है। ठीक है ना, उसको तो मशीन से सुरक्षा में बताता हूँ। मशीन से सुरक्षा, अब आप खुद बताओगे मशीन, जैसे मशीन कौन सी होती है भाई? मशीन कोई भी मशीन ले लीजिए, ठीक है, सिलाई मशीन ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, फैन ले लीजिए, अब अपने मशीन में ग्राइंडर ले लीजिए। ग्राइंडर, ग्राइंडर तो मशीन है, जानते हैं सब लोग, जिसपे हम घिसते हैं। तो ग्राइंडर का इस्तेमाल चलाते समय आपको क्लियर ग्लास का इस्तेमाल करना है। क्लियर ग्लास किसे कहते हैं? उसमें सफ़ेद रंग का कांच होता है, उसे क्लियर ग्लास कहते हैं। क्लियर ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद मशीन जो होता है, मशीन और मैं बता देता हूँ, लेथ होता है मशीन। ठीक है, लेथ का उपयोग करते समय हम एक सावधानी आपको बता देते हैं, टेल स्टॉक को लॉक करना चाहिए, कैरेज को लॉक करना चाहिए। ठीक है ना, मशीन के चलते समय कोई भी टूल या स्पेनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन चलाते समय जो है नीचे जॉब को अच्छे से बांधना चाहिए। ड्रिल मशीन
लंबे बाल हो, तौलिया हो, मशीन चलाते समय, ड्रिल मशीन चलाते समय लंबे बाल और तौलिया जो हो उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि तौलिया अगर निकली होगी ड्रिल मशीन की, ड्रिल में फंस जाएगी तो तौलिया घूमेगा, आप भी साथ में घूम जाओगे, इसलिए ऐसा ना हो। लंबे बाल होंगे तो बाल भी उसमें फोल्ड हो सकते हैं ड्रिल में, ठीक है ना, ड्रिल मशीन पे, ठीक है। मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग टूल का इस्तेमाल करते समय आपको सामने गार्ड लगाना चाहिए, क्योंकि मिलिंग टूल जब चलता है तो उसमें बड़े बड़े चिप्स निकलते हैं, वो निकल के लग सकते हैं, ठीक है ना। चिपिंग गार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए आपको, तो ये चिपिंग गार्ड वगैरह रहते हैं। तो जिम जितनी मशीनें होती हैं सब पर सेफ्टी की, जितने भी एक एक दो दो बातों का हमें ध्यान रखना है, वही मशीन से सुरक्षा हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद होती है इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा। सुरक्षा के नियम बता रहा हूँ, ये तो किताब में चार पाँच लिखूँ, मैं आठ दस भी बता दूँगा, आप आठ दस खुद बना सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर से मैंने एक पहले ही बता दिया था, इलेक्ट्रिक पावर से कैसे ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक सुरक्षा, तो देखिए पहले हमने पहला पॉइंट यही बोल दिया था कि जब इलेक्ट्रिक वायर कटी हुई हो, इलेक्ट्रिक वायर कटी हुई हो तो उसका स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। जिस इलेक्ट्रीशियन की मशीन की जानकारी ना हो उसको नहीं छूना चाहिए। गीले स्थान पर इलेक्ट्रीशियन वाला कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे। और जब कभी कोई कनेक्शन मालूम ना हो तो जबरदस्ती का होशियारी दिखाने के चक्कर में तारों को जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तारों को जोड़ा, शॉर्ट हो गया, पूरी मशीन में आग लग सकती है और लाखों का नुकसान हो सकता है। तो जब कोई जानकारी ना हो तो बेफालतू का ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में तारों को जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज होती है कि एक सेकेंड के अंदर भी पूरी मशीन को जला सकती है, ठीक है ना। और दुर्घटना भी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो मिनटों क्या मिनट के 60 में से सेकंड में भी करोड़ों रुपए का नुकसान कर सकती है। इसीलिए फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा सावधानी का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा नियमों का पालन करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इसके बाद है भार उठाने से सुरक्षा। एक नॉर्मल सी कोई भार आप उठा रहे हो तो कैसे हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना है, तो मैं इधर लिख देता हूं, भार से सुरक्षा, भार से सुरक्षा, यानी भार उठाते समय क्या ध्यान रखना है, इधर लिख देते हैं, भार से सुरक्षा। अब आपको भार उठाते समय सुरक्षा नियमों का पालन कैसे करना है, तो देखिए अपन घर पे कोई बोरी उठाते हैं, कोई पत्थर को उठाते हैं, तो उसको संबल से ऐसे करके उठाते हैं, जैसे ऐसे भार है तो संबल से ऐसे करके उठाते हैं। यानी किसी बड़े भार को उठाते समय लीवर या उत्तोलक का इस्तेमाल करना है। कभी भार उठाते समय पीठ को टेढ़ा नहीं करना, पीठ ऐसे नहीं करना है आपको घुमा के, आपको पीठ को सीधा रखना है, आपको घुटनों को मोड़ना है, पीठ को टेढ़ा नहीं करना। भार उठाते समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करना, जैसे मान लीजिए ये पेन है या मान लीजिए ये मार्कर है, इसको जैसे मान लीजिए अगर हम इधर रस्सी बांध देंगे तो ऐसे झुक जाएगी, रस्सी बांध देंगे इधर तो ऐसे झुक, इसको कहाँ रस्सी बांधना चाहिए, इसके बीच में रस्सी बांधना चाहिए, तो बीच में रस्सी आप बांधोगे तो ऐसे सीधा सामान रहे, तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पर कोई भार बैलेंस होता है तो भार उठाते समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस्तेमाल नहीं किया, आपने रस्सी दूसरी जगह कहीं बांध दी और जैसे ही भार उठा तो लटक गया और नीचे गिरा, नीचे कोई व्यक्ति है या साइड में कोई व्यक्ति है, अगर कोई नहीं भी है तो जो सामान नीचे गिरेगा वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो भार उठाते समय ये ध्यान हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना चाहिए। क्रेन से हम भार उठाते हैं तो क्रेन का जितना लिफ्टिंग पावर है 2 टन 5 टन उतना ही हमें भार उठाना चाहिए। भार उठाते समय कभी भी भार उठने के बाद उसके नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। हमें मालूम है कि हमारी क्रेन अच्छी है, रस्सी अच्छी है, लेकिन कभी कभार दुर्घटना हो सकती है, रस्सी टूट सकती है, विश्वास है कि नहीं टूटेगी लेकिन टूट सकती है, क्योंकि समय खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें कभी भी भार जब उठता है तो उसके नीचे या कभी किनारे पर नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए क्रेन से। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। एक होता है फोर लिफ्टर,
फोर्कलिफ्टर से भार उठाते समय कभी भी उसके आगे साइड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फोर्कलिफ्टर से भार जब उठता है तो फोर्कलिफ्टर भी पीछे से उठ सकता है कई बार भार ज़्यादा उठने से, या आगे भी जब भार क्योंकि कोई पकड़ता नहीं, फोर्कलिफ्टर इस तरीके से रहता है जैसे इस तरीके से सामान उठाया, कोई सामान को पकड़ता नहीं है तो वो सामान ऐसे इधर उधर भी ऐसे गिर सकता है, इसलिए हमें क्या करना है फोर्कलिफ्टर का उपयोग करते समय उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना है, ठीक है ना। तो ये भार उठाने से सुरक्षा है। अब हम एक सुरक्षा अपने मन से बना के बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कार से कहीं जा रहे हैं तो कार से बाहर जाते समय हमें क्या सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला, कार में जो हवा है उस हवा को चेक करना चाहिए, ट्यूब हवा प्रॉपर सही होना चाहिए। गर्मियों में ट्यूब में हवा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सुरक्षा नियम बता रहा हूँ बना के। सीट चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, अधिक तेज गाने नहीं बजाने चाहिए, ठीक है ना। ओवर स्पीड में कार नहीं चलानी चाहिए, कार के अंदर 2-3 बोतल पानी की होनी चाहिए, ये सेफ्टी नियम है। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर तो उनके सेफ्टी नियमों का पालन करते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया सुरक्षा नियम, और जो सुरक्षा नियम होते हैं अगर हम उनको उल्टा कर देंगे तो वो दुर्घटना के कारण बन जाएंगे। अभी मैंने कम से कम 30 से 40 सुरक्षा नियम बता दिए, अगर हम उनका नियम को उल्टा कर देंगे तो वही दुर्घटना के कारण बन जाएंगे। जैसे अगर भार से होने वाली दुर्घटना का कारण, एक मुझे दुर्घटना का कारण बताना हो, ठीक है, तो मैं बोल दूं कि क्रेन के द्वारा उसकी क्षमता से अधिक लोड उठाना क्या है, दुर्घटना का कारण है, और क्रेन की क्षमता से अधिक लोड न उठाना सुरक्षा सावधानी है। तो सुरक्षा सावधानी का अगर उल्टा कर दोगे तो दुर्घटना का कारण बन जाएगा, और अगर दुर्घटना के कारण को उल्टा कर दोगे तो वो सुरक्षा सावधानी बन जाएगी। तो आपको इस तरीके से मिला मिला के पढ़ना है जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है। तो आप इन सुरक्षा सावधानियों को दुर्घटना का कारण भी बना सकते हो और सुरक्षा सावधानियों का भी की तरह पर उपयोग कर सकते हो। तो आज मैंने आपको सुरक्षा सावधानी बताई, आपको सामान सुरक्षा, मशीन से सुरक्षा, हैंड टूल से सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल से सुरक्षा, और भार उठाने से सुरक्षा, और बाहर ट्रैवलिंग करते समय सुरक्षा, ठीक है ना, मार्केट जाते समय सुरक्षा, सब सुरक्षा नियम से। ये हमारे फिटर ट्रेड की पढ़ाई का तो हिस्सा है ही, प्लस हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए फिटर ट्रेड का लेसन मन का जो पाठ रखा गया वो सुरक्षा सावधानी रखा गया है। क्योंकि हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने नौकरी का सदुपयोग कर पाएंगे, अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे नौकरी का सदुपयोग कौन करेगा, फिर नौकरी का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए और वीडियो देखिए। ये डे 2 के वीडियो में मैंने आपको सुरक्षा सावधानी बताई, अगले डे 3 के वीडियो में मैं आग के बारे में बताऊँगा। और आप लोग यदि नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भेल, जय भारत।